प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद हाउस में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए सहमत हैं। दोनों देशों के बीच कृषि, कौशल विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग को गहरा किया जाएगा। पीएम ने इस दौरान आतंकवाद का भी जिक्र किया और कहा कि बढ़ते कट्टरपंथ और आतंकवाद दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को नए स्तर पर ले जाएंगे। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दोनों देशों के बीच अधिक से अधिक जानकारियों के आदान प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि सीसी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आमंत्रण पर 3 दिवसीय भारत दौरे पर गुरुवार को यहां पहुंचे थे। उन्होंने गुरुवार को ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी। सीसी के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया हुआ है जिसमें मंत्री, अधिकारी और व्यापार जगत के लोग शामिल थे। मिस्र के राष्ट्रपति अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आए थे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई बातों पर सहमति बनी। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ मिस्र से साथ मांगा। देखते रहिए डीबी लाइव।